हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम आपको फुल एचडी टीवी के बारे में बताएंगे जो कि 10,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप इसको परचेज कर पाएंगे। देखिए, एचडी टीवी जो होता है वो एक्चुअली आप 11,000 से 12,000, 13,000 रुपये में परचेज करते होंगे, लेकिन फुल एचडी टीवी जो होता है वो एचडी से अच्छे टीवी होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि सेल चल रहा है, जैसे कि अमेजन ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है और बिग बिलियन डे सेल भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको जो है 10,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको जो मिलता है टीवी, वो आपको फुल एचडी में देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्मार्ट टीवी और गूगल टीवी और एंड्रॉइड टीवी में हम आपको बात बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है। स्मार्ट टीवी जो होता है उसमें बहुत सारा प्री लोडेड एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड टीवी में क्या होता है और गूगल टीवी में क्या होता है कि आप प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपको वाईफाई देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्ट टीवी में बहुत सारा में आपको ब्लूटूथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एंड्रॉयड और गूगल टीवी में आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपको लगभग ब्लूटूथ देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। और ब्लूटूथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि होम थिएटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बिना वायर के झंझट से स्पीकर को सुनना, तो वो कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका स्मार्ट टीवी और गूगल टीवी एंड्रॉयड टीवी में हम डिफरेंस बता दिए। अगर मान लीजिए कि आपको गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी दोनों में से अगर अच्छा किसी चीज़ को जैसे कि चूज़ करने का पसंद करें आप लोग, तो यहाँ पे गूगल टीवी ज़्यादा अच्छा है एंड्रॉयड से, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहला टीवी जो है यहाँ पे TCL की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। मॉडल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 32S5400 आपको देखने के लिए मिल जाता है। S5400 आप नॉर्मली बोल सकते हैं इसको। ये जो है गूगल टीवी है, 2022 का मॉडल है। लेकिन एक नंबर में रखने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये फुल एचडी है, ऊपर से आपको जो यहाँ पे वारंटी देखने के लिए मिलता है वो 2 साल का वारंटी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, बहुत सारे जो टीवी है खास करके 1 साल का वारंटी आपको देखने के लिए दे देगा, लेकिन यहाँ पे 2 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है 10,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो और क्या चाहिए आपको, प्राइस का डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका एस्पेक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। डिस्प्ले आपको इसमें ए ग्रेड का देखने के लिए मिल जाता है। ए ग्रेड डिस्प्ले देखिए सारे पैनल में आपको लगभग देखने के लिए मिल जाता है, जो 8-9 हज़ार के मतलब एक तरह समझ लीजिए कि जो टीवी है उसमें भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो मैटर करता है। देखिए, एचडी से अच्छा फुल एचडी काम करता है। वो कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एचडी टीवी में आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको हल्का सा जैसे कि पास से जब देखेंगे तो पिक्सल्स दिखेंगे, छोटे छोटे पिक्सल्स दिखना चालू हो जाते हैं, लेकिन फुल एचडी में आपको वो चीज़ से थोड़ा सा राहत मिलेगा और 4K में ये बिल्कुल भी दिखता नहीं है। इसका जो डिस्प्ले है वो HDR10 को भी सपोर्ट करता है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 GB इसमें रैम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक टीवी को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें 16 GB का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें जैसे कि ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो उस समय ये काम आएगा। और 16 GB एक तरह से देखा जाए तो बहुत है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। अब आते हैं हम साउंड की तरफ में। देखिए, साउंड इसका जो है वो डॉल्बी एटम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, डॉल्बी ऑडियो देखने के लिए मिलता है। तो डॉल्बी ऑडियो में आपको इसमें 12-12 वाट का आपको 2 स्पीकर देखने के लिए मिलता है, तो टोटल जो आउटपुट निकल के आएगा वो 24 वाट का आउटपुट निकल के आएगा। और साउंड क्वालिटी इस टीवी का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक बेस से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि टीवी जितने भी होते हैं खास करके उसमें बेस उतना अच्छा नहीं होता है। सिर्फ सोनी का टीवी में ही आपको काफ़ी अच्छा खासा बेस देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी टीवी में उतना अच्छा खासा बेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको होम थिएटर से कनेक्ट करके मूवी देखना पसंद करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं फ्यूचर में। इसमें आपको जो रिमोट मिलता है वो गूगल असिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके विदाउट इंफ्रारेड लाइट को पास किए हुए आप डायरेक्टली किसी भी एंगल में जैसे कि ब्लूटूथ रिमोट को रखेंगे तो वो टीवी में अच्छे से वर्क करता है। और सबसे मस्त चीज़ ये लगा है कि आपको इसमें टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपको YouTube पे कुछ प्ले करना है, कुछ देखना है, तो आप यहाँ से वॉइस कमांड वहाँ पे भेजेंगे टीवी में, जैसे कि मान लीजिए कि प्ले टेक सिंपल वीडियो, तो वहाँ पे टेक सिंपल का वीडियो आने लगेगा। कुछ इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको टाइप करने वाला जो समय लगेगा उससे आप बच सकते हैं। क्रोमकास्ट सिंपल है, आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो है छोटे मोटे आपको टीवी में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। अब चलिए हम मेन चीज़ पोर्ट्स की बात करते हैं। देखिए, पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्ट्स मान लीजिए 1-2 मिसिंग हो जाते हैं तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं। सबसे पहले हम 3.5 mm ईयरफोन का आउट जैक की बात करेंगे। आउट जैक इसलिए हम बोले कि जैसे कि आप इसमें ईयरफोन लगा सकते हैं, आपके पास में होम थिएटर है उसमें ब्लूटूथ नहीं है, ARC केबल नहीं है, ऑप्टिकल केबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑक्स केबल से आप होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको HDMI का 2 पोर्ट इसमें देखने के लिए मिलता है, पहला जो मिलता है वो नॉर्मल है, दूसरा जो है ARC है। ARC का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके होम थिएटर में HDMI का जैसे कि केबल सपोर्ट करता है, तो डायरेक्टली आप HDMI से हाई क्वालिटी का साउंड आप सुन सकते हैं होम थिएटर में। और इसमें आपको एक ऑप्टिकल केबल भी मिल जाता है ऑडियो का, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी आपको देगा, मतलब सबसे हाई रेजोल्यूशन का ऑडियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे होम थिएटर में ये नहीं है, नए वाले जितने होम थिएटर्स आ रहे हैं उसमें ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो ये चीज़ आपके टीवी में रहेगा तो कल को आप होम थिएटर ऑप्टिकल वाला लोगे तो उसमें ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगा और आपका जो एक साउंड मिलेगा ऑप्टिकल में बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो ऑप्टिकल केबल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी देना बहुत सही लगा है मुझे। बाकी यहाँ पे ऑडियो इन ऑडियो आउट का जो पुराना वाला सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है और एक एंटीना का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो पुराने ज़माने में मतलब इस तरह से कुछ करके एंगल उसको लेना पड़ता था कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, वो वाला भी एंटीना आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए या जैसे कि कुछ भी समझ लीजिए आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको इस्तेमाल करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो वैसे ही उसको परे रहने दीजिए। यहाँ पे आपको यूएसबी का एक पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव में जैसे कि कुछ मूवी आप देखना चाहते हैं तो फुल एचडी कंटेंट या 720 पिक्सल वाले कंटेंट को काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और अच्छा लगा है कि राउटर में क्या होता है कि राउटर में लैन पोर्ट ऑलरेडी 4-5 एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। आप जैसे कि इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं और बिल्कुल भी जैसे कि लैग नहीं चाहते, इशू नहीं चाहते हैं, तो आप लैंड पोर्ट का भी इस्तेमाल करके इसमें इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको लैंड पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जिसकी मदद से जैसे कि मान लीजिए कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी वहाँ पर फ्लक्चुएशन या बिल्कुल भी वहाँ पर लैग आपको इंटरनेट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप बेझिझक एकदम आराम से देख सकते हैं। अभी क्या है कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या जियो फाइबर ये सब जो है अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है तो उससे भी आप कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं या वाईफाई से नॉर्मली आपको कनेक्ट करके देखना है तो उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी जैसे कि इसका एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो बहुत सारा एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ तो सबको पता है कि इसमें एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर भी देखने के लिए मिल जाता है। वारंटी ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि टीसीएल की तरफ से आपको 2 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी टीवी में बहुत मैटर करता है, जो कि इस टीवी में दोनों चीज़ आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि फुल एचडी यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और अगर हम दूसरे नंबर टीवी की बात करें अगर तो यहाँ पे आपको टीसीएल का सेम 32 इंच का टीवी देखने के लिए मिलता है लेकिन उसका जो मॉडल नंबर है S5403AF, इसका जो मॉडल नंबर है ये है आपका। तो ये टीवी में क्या डिफरेंस है, ये टीवी जो है 2023 का लॉन्चिंग है, इसमें आपको माइक्रो डिमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि थोड़ा सा कलर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इसमें एक चीज़ और ये फ़ायदा है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 2023 का मॉडल है, वो 2022 का था, ये 2023 का है, ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारा चीज़ आपको सेम देखने के लिए मिलता है। पोर्ट्स की जैसे कि अगर हम बात करें तो पोर्ट्स भी आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलता है, वही पोर्ट्स जो उसमें देखने के लिए मिल रहा था। गूगल असिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है, एंड्रॉयड 11 टीवी वाला जो एडिशन होता है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, सारा चीज़ सेम है। तो अगर जैसे कि माइक्रो डिमिंग ऑप्शन चाहिए, 2023 मॉडल चाहिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और नहीं तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर जैसे कि हम टीवी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रियलमी का टीवी देखने के लिए मिल जाता है। रियलमी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड आज के डेट में हो चुका है। 32 इंच में आपको फुल एचडी देखने के लिए मिल जाता है, HDR10 को ये भी सपोर्ट करता है और इसमें भी आपको जो है 24 वाट का आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, यानी 12-12 वाट का दो स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है। क्रोमा कास्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है जिससे स्क्रीन कास्टिंग वगैरह कर सकते हैं आप, और लगभग सारे फीचर्स आप लगभग सेम समझ लीजिए आप इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसका जो रिमोट मिलता है ठीक उसी तरह से आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स अमेज़न ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 24 वाट का स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है, 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें जो HDMI पोर्ट मिलता है उसके थ्रू आप इसको कल को आप मॉनिटर भी बना सकते हैं, तीनों हमने जो बताया है टीवी को तीनों को आप मॉनिटर बना सकते हैं फ्यूचर में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9 देखने के लिए मिल जाता है। TCL में क्या था कि आपको एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता था, टीवी एडिशन यहाँ पे आपको 9 देखने के लिए मिल जाता है, तो ये आपको फर्क है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि अपडेट के बाद इसको भी 11 या 10 कर दिया जाए। और ये जो मॉडल है ये 2021 का मॉडल है, इसमें भी जैसे कि आपको वाईफाई देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाता है। वाईफाई की जहाँ तक की बात है तीनों में हमने पता किया है, तीनों में आपको जो वाईफाई देखने के लिए मिलता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का सिंगल बैंड देखने के लिए मिलता है, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो वाईफाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन टीवी के लिए जो एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है वो काफ़ी है, जैसे कि 4K में भी जैसे कि आप वीडियो इसमें देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रियलमी में जैसे हम पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको USB का 2 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। आपको इसमें 3 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलता है, तो HDMI और USB पोर्ट्स आपको यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसमें ऑप्टिकल ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है और ऑडियो वीडियो का जो AV केबल होता है वो भी आप लगा सकते हैं, हेडफोन का भी ऑप्शन है वो भी आप लगा सकते हैं, तो इसमें भी लगभग सारा पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसमें लैन पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है जो RJ45 होता है जिससे आप इंटरनेट चला सकते हैं, और तीनों में लगभग सारे पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत हमने रिसर्च करके जो है 3 टीवी को हमने आपके सामने रखा है क्योंकि तीनों में जो पोर्ट्स मिलते हैं वो लगभग सारे पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाता है, तीनों फुल HD में है,
आपको इसमें दो दो साल का वारंटी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको रियलमी में सिर्फ एक साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बात करें जैसे इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको 13,000 देखने के लिए मिल जाता है, 12,999 में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अभी बिग बिलियन डे सेल जो है, आप समझ लीजिए कि इस अभी वीडियो जिस समय हम बना रहे हैं 7 तारीख से प्राइम मेंबरशिप वाले यूज कर सकते हैं, तो उस समय जैसे कि आप इसको चेक करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस में इसका ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।